वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म राजा बाबू का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और साथ ही बात करेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें यानी अननोन फैक्ट। तो उसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, राजा बाबू एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसकी स्टार कास्ट में थे गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी और प्रेम चोपड़ा के साथ साथ गुलशन ग्रोवर। फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन, वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया था नंदू ने। फिल्म की स्टोरी लिखी थी भाग्य राज ने और फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे अनीस बाजमी साहब ने। इस फिल्म का म्यूजिक था आनंद मिलिंद की जोड़ी का और फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। दोस्तों, फिल्म राजा बाबू को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज किया गया था 21 जनवरी 1994 को तकरीबन 195 स्क्रीन्स पे। बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म ने अपने डे वन पे कमाई की थी 50 लाख रुपए की। फिल्म का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 2.5 करोड़ रुपए। इसके साथ ही फिल्म ने कमाई की थी इंडिया में नेट 8.5 करोड़ रुपए की और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 15 करोड़ 30 लाख रुपए। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 30 लाख रुपए और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट की वर्डिंग मिली थी। दोस्तों, ये फिल्म 1994 की चौथे नंबर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग आज के डेट में 6.3 है आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें यानी अननोन फैक्ट। तो उसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। फैक्ट नंबर वन, करिश्मा कपूर से पहले ये रोल जूही चावला को ऑफर हुआ था, लेकिन जूही चावला को ये फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। फैक्ट नंबर फोर, 1994 में करिश्मा कपूर और गोविंदा की साथ में 4 फिल्में रिलीज हुई थी और ये फिल्में थी राजा बाबू, प्रेम शक्ति, दुलारा और खुद्दार। फैक्ट नंबर थ्री, शक्ति कपूर को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्मफेयर का अवार्ड मिला था और ये उनका पहला फिल्मफेयर अवार्ड था ऐसा कॉमेडियन। फैक्ट नंबर फोर, गोविंदा ने इस फिल्म में शक्ति कपूर के लिए 2 फेमस डायलॉग लिखे थे और ये डायलॉग थे समझता नहीं है यार, और दूसरा डायलॉग था नंदू सबका बंधु। तो क्या आपने ये डायलॉग सुने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फैक्ट नंबर फाइव, असल में ये फिल्म 1992 में आई तमिल फिल्म राशुकुट्टी की हिंदी रीमेक थी, यानी 90s के दौर में भी बॉलीवुड में भी रीमेक फिल्में बनती थी। तो क्या आपने फिल्म देखी?